नमस्कार प्रश्नकाल को स्वागत कर नीलिमा बड़ लोक घर नदे माड़ पुणी थे घसीपुरा बिजेडी विधायक बद्रीनारायण पात्र पुआ देवाशीष पात्र उर्फ टुटु पात्र नाँ गुंडागर्दी अभियोग से कही जड़े अजोग्य हिताधिकारी घर न मिलवर टुटु पात्र और स्थानीय सरपंच स्वामी पंचायत निर्वाही अधिकारी माड़ मार्थिवार अभियोग पुलिस सरपंच स्वामी को खोजुची हेले केबे गिरफ हे बद्री पात्र पुआ देवाशीष पात्र तेरे बड़ कथा हूँ शासक दल नेता चापरे पीओ मानक निज इच्छा अजोग्य हिताधिकारी घर देवाई कहुची जहाँ दर्शाऊ राज्य में केमी चली आवास केलेंकारी तेरे इन आम आलोचना आलोचन आम सहित भाग ने विप्लव मिश्र कांग्रेस नेता पृथ्वीराज कुंवर बीजेपी नेता जगे प्रसाद समाजसेवी कितु ता पूर्व मुझे रखुची रखिले पीओ रामचंद्र नायक यही घटना को नहीं तर कौन रही प्रतिक्रिया को भली भाव में आघात दि जाए आसत प्रथम शुणा रामचंद्र नायकों प्रतिक्रिया आलोचना आगक ना तो खाड़िया पंचायत आवास प्लस घर इनक्वारी आम मान को दिखाई सहित जेई आ जीआरएस मैंने आम सागर गोटे टीम कराई सरपंच आम इनक्वारी कलापर सरपंच जड़े भाई घर से पाखा घर सब भूं आज्ञा तर गोटे पक्का घर थी मुझे पक्का घर लिखी थी कि सरपंच मत बाध्य करते यू कच्चा घर करके इलिजिबल करूँ सी घर पाइबा निहाती जरूरी किंतु मुझे सी मत ब्लॉक परिसर में आसिक मारे आते बहुत अभद्र भाषा गाड़ी देखते मतलब धमक दे मुझे पैसा वाला बहुत तेणुक आम सुरक्षा दरकार कल भी हो पि भाई मान कल भी पिस्थित हो पाए तेणुक मुझे अनुरोध कर पूर्वतन चेयरमैन विधायक कहले मत मत मारी रामचंद्र नायक जी की पीओ ये खालिया मेंटा पंचायत सर्वे दायित्व दि जाइला कि जो मैंने योग्य हिताधिकारी से केमती आवास योजना रे घर मिल कथा उठू जदि कौन अजोग्य हिताधिकारी अर्थात जो मैंने थिलावाला घर जो मान पक्का घर अच्छी से मैंने एलिजिबल नुहति घर पाइबापी एवं एक कथा को से सर्वे में उल्लेख कले योग्य हिताधिकारी ये योजनार सुफल पाइबापी चेस्टा कले बद्रीनारायण पात्र पुओ कहीं हस्तक्षेप कले जो भाव से अभियोग करड़ मर जा अश्लील भाषा से गाड़ कुलस कराई माड़ मारिकी अचेत भी करभोग भी करते रामचंद्र और घटनार रफा दफा करने डाक बंगला को डाकनी 50,000 टंका जचा जाइए जीवन प्रति विपद रही है कहना धमक चमक दि जाऊँगा जहाँ कि समय पूर्व आप शुणुते रामचंद्र जहाँ कहते कितना कथ उठूँ क्या इशारे चली आवास बंटन तेल ये आवास बंटन में जब यह दुर्नीति जारी रही लोकों पर योजना व लोक सरकार कहीं बासपोट मार आवास योजना सफलतार डिंडीम कहीं पिटुं इन आलोचना करेंगे रही विप्लव मिश्र कांग्रेस नेता सहित मिश्र आप आलोचना आरंभ करी सहित मिश्र रामचंद्र नायकों प्रतिक्रिया आप शुणिले केते मात्रा रे तंको आघात दिया जाए सी तो कर्म करते कार्य करते दायित्व तुलाऊते एथिरे किंतु तांकु जेतेबेले तांका दायित्व रु माने दुर्नीति करिबा पाई माने अर्थात जो माने अयोग्य से मानको योग्य बोली विवेचित करा जो माने योग्य से मानको बाद दिया जाय तांका परे प्रेशर करा जायतला एवं जेतेबेले से मानि नथिले तांको को बोली बारे टर्चर कराई छी एबे तांको प्रतिक्रिया आपण स्पष्ट जानि पार्थिबे कोन रखिए प्रतिक्रिया सीत मिश्र टी अनम्यूट कर दिंतु आपको अडियो आम शुणी पार्न तो सीत मिश्र आप जी कि आम साथ वर्तमान जोड़ी पृथ्वीराज कुंवर बीजेपी नेता सीत कुंवर कौन कहे ये जो दृश्य सामना को सी गोटे जगार दृश्य नुहे केवल खाड़िया मेटा पंचायत नुहे राज्यर विभिन्न स्थान रू विभिन्न पंचायत रू ये संगीन अभियोग प्रत्येक दिन आसुचे देखु प्रधानमंत्री श्रीजुक्त नरेन्द्र मोदी 2015 जून 25 तारीख रे हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट जो खोली सारा भारत वर्ष रे तथा ओडिशा रे गरीब लोक मान को जो मैंने कच्चा घर अच्छा समस्त गरीब लोक मान को 2022 सुधा स्थायी घर पक्का घर जोगे देवा पे जो योजना करी थिले
ता भितर लक्ष लक्ष घर ओडिशा गरीब लोक आसुच्छे ए वर्ष मध्य 817,000 घर ओडिशा रे चाल छपर रोथवा निहाती गरीब लोक आवास प्लस योजना रे बात पड़ा हिताधिकारी तालिका जो गोटे वर्ष होगा प्रस्तुत करा शासक दलर विधायक माने मंत्री माने तांकर सरपंच माने योग्य हिताधिकारी परिवर्ते चालघर रे रोथवा लोक परिवर्ते वोट बैंक बढ़ेया पाई निजर बीजेडी दलर कर्मी मान जरिया जी वोट दब ताकु जो माने समर्थन करिवे सेई बोलिया वीडियो माने पीओ को जरिया तालिका प्रस्तुत करथिले एवं घसीपुरा ब्लॉक रे ओडिशा रे जदि सबुटु बेसी दुर्नीति कोटी घर तालिका प्रकाश पाइथाय सेला घसीपुरा ब्लॉक 25 गोटी पंचायत आपण देखिबे आज को राजनीतिक दल आम भारतीय जनता पार्टी आपण देखिबे 2 वर्ष होगा प्रधानमंत्री आवास योजना पई जेबोली गरीब लोक प्रतिवाद करी आसुची गवर्नर हाउस को स्मारक पत्र देवाठ आरंभ करी कहतु एवं दिल्ली में जाकि केन्द्रमंत्री की भेटतु एवं केन्द्र सरकार जो टिप्पणी देते जो ओडिशा रे व्यापक भाव में अनियमितता परिप्रकाश पाई एवं जो सरकार अफिसर मैंने संपृक्त से दंडित देवाई स्टेट गवर्नमेंट को क्लीयर कट निर्देश आसला तावर्ते आज कौ राजनीतिक दल मैंने अभियोग करना खोद ओडिशा सरकार अधीनस्थ जो पीओ मु भावुची 5G सचिव देखुवे निज सरकार जड़े कर्मचारी जे दिन राति परिश्रम करुले देवा देवाशीष पात्र जे विधायक बद्री पात्र पुत्र जे कि दिन दीपे अफिस माड़ मारे एवं खाड़ियापेटा सरपंच जड़े महिला ये तो महिला मान शासन चलने महिला मान स्वामी मान शासन चलती दल विधायक सोम्याबू भी कही महिला मैंने सरपंच खाली रामकुद्र अवस्था एटी महिला मानकर स्वामी माने एटी शासन करचुंदी ताले की प्रकार शासन चली छि ओडिसा रे एवं खास करी लोक मानक पई जो उद्दिष्ट योजना रे प्रकृत रे योग्य हिताधिकारी केते सुफल पाउचंती यु जे तार गोटे मात्र उदाहरण जगे प्रसाद रहिछंती हम साथे जगे प्रसाद आपण तो निश्चित भाव में सब अंचल बुलिछंती ए कथार केते दूर सत्यता रही कारण देखंतु प्रथम कथा हला जेते बेले खाली आवास कथा ने फनी समय रे मते जो क्षतिग्रस्त होइतले भी लोक सेमानको भी जो माने तालिकार योग्य तालिकार बात दिया कला को आधार बात दिया कला से नहीं मत केन्द्र ग्रामोन्नयन सचिव चिठी भी लिखी थे आड करने मत कहला कि आड कर कैसे दायित्व कार से अधिकारी जो अधिकारी बात दे कहीं बात दे प्रश्न उत्तर आज पर्यंत मिलने अनेपटे जमीक कहले सी तो कोर कहले कि 817,000 घर आसी कि लोक को मिलने तेल लोक केमी मिल जदि यही आधार बंटन कराए तो कौन प्रकृत में योग्य हिताधिकारी मानते सुफल पाइबे योजनार आप लगुच जगे प्रसाद मैडम योग्यतार गोटे मात्र मापकाठी हूँ विजु जनता दल सरकार रे 21 वर्षर सरकार रे जीए विजु जनता दल कर्मी होइतिबो ता परिवार विजु जनता दल शंख चिन्ह प्रचार करुथुबो गाँव में गुंडागर्दी करि परुथुबो विधायक पछरे तांको पुओ पछरे नाराबाजी लगे पारुथुबो एटा हूँ गोटे मात्र मानदंड वर्तमान सरकारी योजना को हाथेबा पई तेणुक स्वाभाविक भाव में जितेबले बापा विधायक अछंती पुओ पीओ को माड़ मारुची एटा नुआ कथा नुह पूर्वर विभिन्न समय रे सरकारी अधिकारी हंतु कर्मचारी हंतु साधारण लोक हंतु ये पुओ माने लोक को माड़ मारिकरी आईन बाट को मोड़ी देवा पई बारंबार चेष्टा करिछंती ये तो नवीन बाबू बोधे आज खबर पाइथिबे कि नाही मु जानी नाही आज घसीपुरा ब्लॉक रे पीओ संघ पक्षरु कलम छाड़ आंदोलन हेथिला एठी नवीन बाबू आईन शासन कौन चलुची लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स बारंबार घोषी होतुबा एक पंक्ति को बारंबार कहुतुबा नवीन बाबू चिंता करंतु घसीपुरा ब्लॉक रे आईन न दिगटा को एठी बद्री बाबू को आउ तंकर पुओ माने को भली भाव रे मोड़ी मकची देकरी गरीब लोक मानकर मुंड को पिटिकरी सेमान को मारिकरी जो माने अयोग्य एवं बिजू जनता दल कर्मी सेमान को आवास योजना भत्ता एवं समस्त योजना सुविधा से मन को पर जो किछ नुआ न हे कि थिला वाला लोकों को सब बेले पे आवास योजना रो सुफल मिलिछि नथिला वाला को पई सब बेले पई ना से माने कोनसी सुफल पाउ नथि ए घटना आज न हे ए घटना आए दिन राज्य रो प्रत्येक अंचल रो आसुछि किंतु ए घटना रे पीओ को जो बेले बारे धमक चमक दिया जाइछि पीओ को माडा मराइछि कॉम्प्रोमाइज करिया पे 50,000 टका जच्चा जाइछि जरूरी कागज पत्र को चिरा जाइछि एवं किछ न आला पर तांको वर्तमान धमक दिया जाउछि ई तो पूरा सीमा टपी जाउछि मैडम मु गोटे मिनिट रे आपन को संपूर्ण आख्यान को
ବିଧାୟକଙ୍କର ପୁଅ କୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଜଣେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆଇବି କି ଡକେଇଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଆଇବି କି ଡକେଇଲେ ସେ ଆଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଣ ଗତକାଲି ଆଇବି କୁ ବିଧାୟକଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାଁରେ ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିଲା କି? ଯଦି କରାଯାଇନଥିଲା ବେଆଇନ ଭାବରେ ଆଇନକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକିରି କଣ ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କର ପୁଅ ବାରମ୍ବାର ଆଇବି କି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡକଉଛନ୍ତି? ସିଏ ତ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ନାହାନ୍ତି, ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନୁହନ୍ତି। କୋଉ ଆଧାରରେ ସେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଡକଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୈଫତ ତଲବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପିଟୁଛନ୍ତି, ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ, ତେଣୁ ବାପାଙ୍କର ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଯେତିକି ପାୱାର, ପୁଅର ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ବୋଧେ ପାୱାର ରହିଛି ଯୋଉ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକବଙ୍ଗଳାକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଆମ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବ ମିଶ୍ର। ସୀତ ମିଶ୍ର, କ'ଣ କହିବେ ଏ ତମାମ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଘସିପୁରାରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟେ ଭାତ ଚିପିଲା ପରି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ଘଟଣା ଯୋଉଥିରେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଘସିପୁରାରେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କାମ ଚାଲିଛି, ବେଆଇନ କାମ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଘଟଣାଟି ମଧ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ବିଜେଡି ସରକାର ଯୋଉ ଆବାସ ପ୍ଲସରେ ଲୋକମାନେ ଘର ଯୋଗାଇବା କଥା ପଡିଛି, ସେଇ ଘରର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନମୁନା ମାତ୍ର। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏବଂ ଘସିପୁରାରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ହେଲା ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ପକ୍କା ଘରେ ରହୁଛି, ତାକୁ ଚାଳ ଘର କହିକିରି ତାକୁ ଆବାସ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପିଓକୁ, ଏଇଟା ଏଇଠୁ ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଏଇ ଯୋଉ ଘର ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ତାହା କେତେ ପରିମାଣରେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯଦି ପିଓ ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା, ଆଇବିକୁ ଡାକିବା, ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇକିରି ଘଟଣାକୁ ରଫାଦଫା କରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟିଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି ଯେ ବିଜେଡି ସରକାରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ସବୁ ଅଛି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଘର ଆସିଛି ତାହା କେତେ ପରିମାଣରେ ସଠିକ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଖାଲି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଖାଲି ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ନୁହେଁ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିନନ୍ଦା ଭୂୟାଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଁ କୋଉ ଆଧାରରେ ପିଓଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରିଥିଲେ କି ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ? କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ ସୀତା ମିଶ୍ର, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଆସୁଛି ଯୋଉଠି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଛନ୍ତି, ନାମକୁ ମାତ୍ର ମହିଳାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଷମତା ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ। କୋଉ ଆଧାରରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ ଆହୁରି ବିରାଟ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ସରପଞ୍ଚ ରହିଲେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କାମ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ ଡିସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୋଉ ଲୋକମାନେ ଘର ପାଇବେ ଯାହାର ପକ୍କା ଘର ଅଛି ଏବଂ ସେ ପକ୍କା ଘରକୁ ବଦଳେଇକିରି ଚାଳ ଘର କହିକି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାହା ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ପିଓଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଏଠୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ବିଧାୟକଙ୍କର ପୁତ୍ର ଟୁଟୁ ପାତ୍ର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଇବିକୁ ଡକେଇକିରି ତାକୁ ପୁଣି ଧମକ ଚମକ ଦେବା, ମାଡ଼ ମାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯାଚିବା, ଏ ସବୁ ଘଟଣାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି ଯେ ଏଇଟା ବିଜେଡି ଦଳର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ଦଳର ଯିଏ ପତାକା ଧରିବ ଗୁଣଗାନ କରିବ ସରକାରୀ ଦଳର ସେ ହିଁ ବୋଧେ ଏ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି କି ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏଫଆଇଆର ବି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଫଆଇଆର ପରେ
पुलिस काई चुप बसीची नेता मंत्री इंकर प्रेशर रहूची सबळ पे पियो को परे पुलिस काई चुप बसी एक था केंदुचर एसपी को कान रे पडिची नाने ए संपर्कित आलोचना हमर जार रहबो किंतु समय छे एक छोटो ब्रेक रो ब्रेक परे स्वागत बापा विधायक बोली पुओ करले गुंडागिरी केवल गोटे घटना न अर्थात घसीपुरा रे पियो को माड़ा घटना न या पूर्वर मध्य युवती को धमक दे चर्चा को आसते पूर्वर मध्य पुलिस को माड़ मारी चर्चा को आसते देवाशीष पात्र जी होती बद्री पात्र पुओ कि कथा उठू ताल क्षमतार एत दुरुपयोग कहीं अनेपटे जो भाई भाव में प्रीतिनंदा भूं स्वामी अर्थात सरपंच स्वामी सुरेन्द्र भूं को आधार पियो को जबरदस्ती कराइले कि जड़े थिलावाला लोक आवास योजन सामिल करने प्रश्न उठू थिलावाला लोक अर्थात धनी लोक घर न देले कौन धमक चमक दिया माड़ भी मर जा कि भाव में रामचंद्र नायक को ये निर्यातना दि जाता केमी बाध्य पुणी थे आस शुणा प्रतिक्रिया पुणी थे आलोचना को जी तो खाड़ियाबेटा पंचायत आवास प्लस घर इनक्वारी आम मान को दिया सहित तो जेई आ जि आर एस मैंने सागर गोटे टीम कराई सरपंच आम इनक्वारी कलापर सरपंच जड़े भाई घर से पाख घर सब भूं आज्ञा तर गोटे पक्का घर थी मुझे पक्का घर लिखी थी कि सरपंच मत बाध्य करेंटा को कच्चा घर करलीजिबुल करूँ सी घर पाइबा निहाती जरूरी किंतु मुझे सी मत ब्लक परिसर में आसिक मारे आभद्र भाषा गाड़ी देखते मतलब धमक देखते मुझे पैसा वाला बहुत तेणुक आम सुरक्षा दरकार कल भी पियो भाई मानी भी परिस्थित हो पारे तेणुक मुझे अनुरोध कर पूर्वतन चेयरमैन विधायक कहले सुरेन्द्र तो खाड़ियाबेटा पंचायत आवास प्लस घर इनक्वारी आम मान को दिया आपड़ शुणुले रामचंद्र नायकों प्रतिक्रिया सहित कौर सीधा सड़क आप समय अपचय नक सहित कौर ये थिला रामचंद्र प्रतिक्रिया आप शुणुले कि को भली भाव में आत्मसम्मान को बाधि जो भली भाव में ब्लॉक परिसर में माड़ मरगला सरपंच न सरपंच स्वामी एवं कौन थी ना सरपंच स्वामी भाई जो पक्का घर थी किंतु ताकू पक्का घर थी ये जेहेतु नाकस करते मिले ना घर ताक जबरदस्ती घर देवाई कहला जो रामचंद्र न मानले अत्याचार कितु जो आत्मसम्मान को बाधि रामचंद्र से कोहरे कोह प्रकाश मान कर कोहरे संवरण नक से प्रकाश कर पुलिस दिया पुलिस चुप देखो मैडम जो भाव में ब्लॉक परिसर भितर रामचंद्र नायक पियो को माड़ मारी निश्चित भाव में मु कह ये गोटे सुचिंतित योजना थिला देवाशीष पात्र जहाँ निर्देश रे मैंने साहस करते खाड़िया बेटार सरपंच स्वामी माड़ मारियापी एवं जो आई भी डाकि देवाशीष पत्र निजे माड़ मारी ये गोटे योजना था अफिसर मान को डरवा धमकवा एवं आप देखिए सारा घसीपुरा निर्वाचन मंडल घसीपुरा ब्लक रामचंद्रपुर थाना तथा घसीपुरा थाना एरिया भितर पुलिस उपरक हाथ उठेबा कर्तव्यरत पुलिस को माड़ मार जो पियो को माड़ मार एभली अनेक घटना 20 वर्ष होगा संगीन अपराध इविन हत्या पर उद्यम करुवा देवाशीष पात्र नाँ अच्छी पुलिस उपरक हाथ बढ़ा अभोग सीए बर्षे ते 4 मास जेल थे जो अभ्यासगता क्राइम करुवा व्यक्ति आज मुड़ा डीजीपी को भेटिली 20 वर्षर तर अपराधमूलक तथ्य देली जे कहीं देवाशीष पात्र को नवीन पट्टनायक सरकार एत प्रोत्साहन दौर से अंचल अफिसर पुलिस उपरको हाथ उठापी किए से अधिकार देला एवं अविलंबे आपणकर नेशनल सिक्यूरीटी आक्ट गिरफ्त कर
शांति प्रतिष्ठा करिया आज हम दाबी करथु घटना एभले घटना कोन 5T को आखी को आसिनी कि ना आपन को लागो छै कि तांको दृष्टि अडभले रे सब चली जेबले भाबरे पंचायत अधिकारी कांदी कांदी जने सरकारी ऑफिसर कांदी कांदी तांको लुआ भासी जाउची 5T सचिव को बु अनुरोध करू देखंतु आज्ञा आपन को कर्मचारी माळ खाइले आपन कहतिले आपन आवास गरीब लोक मान को दउचंती किंतु एटी आम भारतीय जनता पार्टी दाबी करनथिला एटी जने सरकारी ऑफिसर दाबी करथिला किबोली भाबरे पक्का घर थिबा लोकों को घर दवा पई सरपंच को स्वामी बाध्य करथुले आमे कोनो एतर विरोधी अभिजोग करनाती एतर तांको माने तांको अंडर रे कार्य करथवा जने अधिकारी कहिचंती कि किबोली भाबरे केलेंकारी कराउची आठर लज्जाजनक कथा बदे आ कोनसी कथा नै 2 वर्ष होला मैडम जगे प्रसाद देखंतु केते बेले स्कीम रो लोगो हडप करबा हो आउ केतेबेले अयोग्य हिताधिकारी को माने माने जो माने अयोग्य तथापि से मानको योग्य तालिका अंतर्भुक्त करबा हो आउ केतेबेले योग्य तालिका रु अयोग्य नारे से मानको बाद दिया जावा हो ए सब घटना बारंबार चली आछि इवन इफ जदि अपन देखिबे स्वतंत्र टीम भी आछन्ति ओडिसा को एरो माने सर्वेक्षण करिया पे सर्वे करिया पे बहुत से माने मते उठे उत्तर चिट्ठी भी लिखितिले जार उत्तर आज पर्यंत राज्य सरकार को पक्षरु दिया जाने आउ वर्तमान देखंतो रामचंद्र को कथा यो ई राज्य रे तले 5T एठी कोन करछि एबो जो भली भाबरे दुर्नीति चलीछि जोटी जीरो माने करप्शन को नेकी जीरो टॉलरेंस रा कथा मुख्यमंत्री कहउछंती तले एटी कोन चलीछि जगे प्रसाद मैडम आपन को 2 मिनिट रे मु कहिबी घटनाटी एठी आपन त एबे अफगानिस्तान ने तालिबानी मानकर शासन आरंभ होबा हेछि लोक माने को भली भाबरे पलायन करउछंती आपन देखुथबे टेलीविजन माध्यम रे आमे देखुछु फिक्स सेही ढंग रे जो माने एठी बिजु जनता दल को विशेष करी बद्री पात्र को एवं तांको पुओ को विरोध कले सेमाने टू गाँव विताड़ित होती निज पंचायत रु गड़बांधगड़ विताड़ित जो मंत्री पूर्वतन मंत्री घर देवगा पंचायत रु विताड़ी 15 वर्ष हम लोक मैंने गाँ बाहर अच्छा गाँव को आसी पार ना ये प्रथम कथा योग्य हिताधिकारी को अयोग्य कौ मैंने करा पूर्वतन मंत्री पुओ मैंने करण से बिजु जनता दल व नवीन पटनायक सरकार को समर्थन करूना गोटे निर्दिष्ट से गोटे गणतांत्रिक मूल्यबोध रही मूल्यबोध भित्तिक भाव निजर भोट को दिखती जो मैंने बिजु जनता दल को भोट दिखती से संपर्कित परिवार व्यक्ति को ये केवल सब सुविधा गुड़ी उपलब्ध कराती आउ गोटे कथा मैडम एटी प्रति घटन पूर्वतन पूर्वतन मंत्री पुत्र देवाशीष पात्र आपोस बुझामणा करती सब घटन निजे भी स्वीकार करती आपोस बुझामणा करूँ अरे तमे तो डाणी होकर लगुच तमे गुणिया पुणी झड़ेपी कहीं आसुच दुई मस ते घसी रामचंद्रपुर थाना अंचल गोटे पीड़िता युवती निजर मान इज्जत सम्मान लड़े करूला सेत बड़े टुटू बाबू तक घर को जाकि आईन रठ पढ़ेवा आलरे नाली आखि देखकर धमकैले एबे पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खाड़िया मेंटर पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को आईबी को डकोउचंती एवं तांकु मध्य बुझामणा करिया पई तागित करउचंती पछरे पिटुचंती एवं निज गाड़ी रे तांकु अपहरण उद्यम करउचंती तेणुकर चिंता करंतु जोठी विधायकों पुओ जने सरकारी कर्मचारी को अपहरण करुची निज गाड़ी रे एवं गोटे सरकारी क्वार्टर माने गोटे सरकारी आवास भितरे तांकु माड़ मरा जाउची एवं गोटे सरकारी कर्मचारी सरकारी जिल्लापाल भी उत्तर दबा जरूरी नै कि कारण देखंतु जेहेतु जेमति आपण कहिले आईबी को डका गला डाको बंगला को तो एमिति सेमिति कोनसी प्रकार लोक जाई परिबेनि सेति पे स्वतंत्र परमिशन आवश्यकता रहिछि तले अनुमति देला के देवाशीष को अनुमति देला कि से पीओ रामचंद्र नायक को पीआईबी को नबा पई सेठी आलोचना करिया पई एठी जिल्लापाल मते उत्तर दै न केठी उत्तर देबार आवश्यकता नै कि निश्चित भाव रे जिल्लापाल जेहेतु जिल्लार मुख्य तेणु करी प्रत्येक घटनार से उत्तर दै रहिया बाध्यता एवं जेहेतु विधायक अछंती मु तो विधायक कहबी नै बरम धृतराष्ट्र अछंती एठी शासन करूछंती जे विधायक भाव रे तांकर पुत्र जे देवाशीष दुर्योधन अछंती दुर्योधन को ए समस्त सरकारी कळ बड़ समस्ते सहयोग करा से समस्त को जिते बड़े चाहिए डरईले धमकैले सरकारी कल को व्यवहार कले धृतराष्ट्र अंध भाव रे सब ग्रहण कर राज्य सरकार प्रतिक्रिया कि जो अंधारी शासन चली सबकि जानते हूँ ना अजाणत रोचे तो गोटे विराट बड़ प्रश्न बाची कि राज्य में ये जो घटना बारंबार सामना को आसुच कि जो लोक मान सरकार जो मैंने भोट दी इन बाछी प्रतिपदले कोन ये होची सेवा आउ विकास कोन एमती ही होबो की सीता मिश्र ना विकास बहुत दूर रे एटा वर्तमान जो गोटे परे गोटे घटना
ଘଟି ଚାଲିଛି ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୋଲିସକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା, ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା, ଏବଂ ତାପରେ ପୋଲିସରେ ଖବର ଦିଆଯାଇଛି, ପୋଲିସରେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପିଏମ୍ଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା, ଗୋଟେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଭିତରେ, ବ୍ଲକ ଅଫିସର ପରିସର ଭିତରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଆଇବିକୁ ଡକାଗଲା ଏବଂ ସେଠି ଧମକ ଦିଆଗଲା, ମାଡ଼ ମାରା ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଜଚାଗଲା, ଏଇ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ସରକାର କେମିତି ଚାଲିଛି ଅନୁମେୟ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଣତରେ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା, ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟେଇକରି ସିଏ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ କଥା ମାନ, ଯଦି ଆମ କଥା ନ ମାନିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମାଡ଼ ମରାଯିବ ଏବଂ ଆମ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସରକାରରେ ଅଛୁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ସୁପର ପାୱାର, ଅର୍ଥାତ ଆମେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ସୁପର ପାୱାର, ଆମର କେହି କିଛି ବି କରିପାରିବେନି। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ହେଉଛି କି ଏହି ଘଟଣା ପୋଲିସ ନଜରକୁ ଆସିଛି, କାରଣ ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି, ତ ପୋଲିସ କାହିଁ ଚୁପ୍ ବସୁଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି, ଏବଂ ଖାସ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡାକବଙ୍ଗଳାକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତ ଦେଖିବାର କଥା ପୋଲିସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନେଇ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ପିଓଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି ତ ଏଠି 5T ସଚିବ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖାସ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଏ କଥା ଆସିଛି ନା ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ। ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ ବିପ୍ଳବ ମିଶ୍ର, କଂଗ୍ରେସ ନେତା, ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ କୁଅଁର, ବିଜେପି ନେତା, ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ ଯଜ୍ଞପ୍ରସାଦ ସମାଜସେବୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ହେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।